नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करें इंदौर से बड़ी खबर की। इंदौर से शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। दिन दहाड़े महिला को निर्वस्त्र किया गया। महिलाओं में विवाद हुआ था। चार महिलाओं ने पीड़िता के कपड़े उतार दिए। पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई है। पड़ोसी महिलाओं से हुआ था विवाद। पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए कितना चौंकाने वाला ये पूरा मामला है, जब महिलाओं ने ही एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया। और दरअसल ये विवाद हुआ था, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट हो गई और चार महिलाओं ने एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया। और उस दौरान की देखिए कुछ तस्वीरें भी, और काफी चौंकाने वाली बात ये है। लड़ाई झगड़ा समझ में आता है, मारपीट समझ में आती है, लेकिन जिस तरीके से बेइज्जत किया गया भरे समाज के बीच में, ये काफी चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम था। जब एक महिला के कपड़े उतार दिए गए, चार महिलाओं ने पीड़िता के कपड़े उतारे, पीड़िता के साथ मारपीट की गई, पड़ोसी महिलाओं से विवाद हुआ था, पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर है इंदौर से, शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला है। दिन दहाड़े महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया। हालांकि चारों महिलाओं के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया गया और इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कड़े एक्शन की बात भी कही जा रही है। चौंकाने वाला मामला ये भी है कि आसपास कई लोग मौजूद हैं और भी कई महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। और सबसे बड़ी बात ये कि कितना भी विवाद हो, लेकिन जिस तरीके का जुर्म किया गया महिला के साथ, ये कहीं से भी बर्दाश्त लायक नहीं है। तो अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस पूरे मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या ऐसा विवाद हुआ कि चार महिलाओं ने मिलकर एक महिला को ही इतना बुरी तरीके से प्रताड़ित किया है, कपड़े उतार दिए गए, पूरा मामला बताएं मिथिलेश। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर है ये इंदौर को शर्मसार करती है, और समाज के वो बेशर्म लोग जो पास में खड़े थे और वीडियो बनाते रहे, ना किसी ने रोका ना किसी ने टोका, बकायदा इसको वीडियो बनाया और उसने वीडियो नहीं बनाया, वीडियो बनाकर उसे वायरल भी कर दिया। अब पुलिस ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात करी है कि जिसने वीडियो बनाया और वीडियो के बाद जिसने ग्रुपों में इसे वायरल किया, उसके खिलाफ अब पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और छह से ज्यादा गंभीर धाराएं भी उन पर लगाई गई है। लेकिन अभी तक पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है कि ये पड़ोसी महिलाएं हैं, इनके आसपास मकान बने हुए हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं ये, और पुराने करीब चार महीने से इनके बीच में रंजिश थी, चार महीने से विवाद चलता रहा था। लेकिन जिस दिन महिलाएं उनको महिला घर पहुंचती, जो पीड़ित महिला घर पहुंचती है, कहती कि तू मेरी सास को लेकर मंदसौर क्यों गई थी, वीडियो में भी साफ सुनाई दे रहा है, इस बात को लेकर विवाद होता है और उसे पीटते हुए घर से नीचे ले आती, बीच सड़क उसे मारती रहती है, अधमरा कर देती है, उसके बाद उसके कपड़े उतार देती है, और सिर्फ कपड़े नहीं उतारती है, आसपास की जो गली मोहल्ले में उन्हें घुमाती भी है। और ये सब कुछ हो रहा था वहां पे मौजूद लोगों की मौजूदगी में, जो समाज के लोग हैं वहां पे, हर वर्ग के लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन न किसी ने रोका ना किसी ने टोका, बकायदा लोग सब कुछ देखते रहे, तमाशबीन बने हुए लोग थे, मूक दर्शक तरह लोग ये वीडियो बनाते रहे, देखते रहे। लेकिन अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस ने कहा है कि ये हैरान कर देने वाली तस्वीर थी कि किसी महिला के साथ में उसकी ही आबरू महिला उतार रही थी, उसकी इज्जत एक महिलाओं के द्वारा उतारा जा रहा था, और लोग पुलिस को फोन नहीं लगा रहे, ना पुलिस को सूचना दी गई और न अभी तक इस गांव की तरफ से। आश्चर्य की बात यही है कि यहां पर जो पीड़ित पक्ष है, क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है? क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद, जब ये वीडियो सामने आया है, तब इस पर एक्शन लिया गया है। इंदौर के किस इलाके का ये मामला है मिथिलेश, ये भी बताएं, और ये भी बताएं कि पीड़ित पक्ष ने क्यों शिकायत दर्ज नहीं करवाई? इतना बड़ा मामला है, क्या पीड़िता के परिवार में और कोई मौजूद नहीं था? क्या घर के और सदस्य वहां पर मौजूद नहीं थे? देखिए, पीड़िता के परिवार की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है कि जिन्होंने किया, जिन महिलाओं ने किया, वो दबंग परिवार से आती हैं, और ये जो समाज के जिस तबके से आती हैं, वो उनका कहना है कि वो काफी डरी हुई थी, पूरा परिवार दहशत में था। महिला घर के बाहर जिस दिन, या 25 तारीख को यह जो पूरी घटनाक्रम है वो 25 तारीख की हुई है, उसके बाद से महिला अब तक अपने घर से बाहर नहीं निकली है। जब पुलिस उनके पास पहुंची तो पुलिस ने उनके घर पे ही उनकी बात को सुनी, रिपोर्ट लिखी उन्होंने, और रोते हुए सारी दास्तां सुनी, सारा वाक्य सुनाया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। लेकिन
खौफ में है, दहशत में, किसी से बात नहीं करना चाहती। और यकीनन जो कुछ हुआ उस हादसे को कोई नहीं बोल सकता है। जब परिवार के लोग जिस समाज में रहती है, जहां पर सालों साल से उनका परिवार रहता है, उसी परिवार के सामने कि महिलाओं ने उनकी इज्जत उतार दी, बेआबरू कर दिया, नीलाम कर दिया, 20 सड़क उनकी इज्जत को नीलाम कर दिया, वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, फिर भी ना कोई बचाने वाला था ना कुछ था। लेकिन केस दर्ज हो चुका है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ है मिथिलेश, कितनी महिलाएं यहां पर थी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है? इंदौर के गौतमपुरा थाना क्षेत्र के बछोड़ गांव का ये पूरा मामला है। इंदौर के समीप है गौतमपुरा, और गौतमपुरा थाना क्षेत्र में चार महिलाओं के खिलाफ में केस दर्ज, यानी कि चार महिलाओं के खिलाफ एक्शन लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी इन चार महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और अगली बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे बीजापुर से बड़ी खबर की। मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सली, मुठभेड़ के बाद 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। DIG CRPF कोबरा टीम की कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षित लौटे सभी जवान। बासागुड़ा थाने के चिपुर भट्टी इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। और बीजापुर से बड़ी खबर है, मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सली, मुठभेड़ के बाद 6 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। DIG CRPF कोबरा टीम की कार्रवाई। मुठभेड़ के बाद सभी जवान सुरक्षित लौट आए हैं। खबर बीजापुर से है। तो नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्चिंग अभियान, और इस दौरान DIG CRPF कोबरा टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 6 नक्सलियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ हुई थी और इसमें 6 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के साथ ही मुठभेड़ हुई थी। DIG CRPF कोबरा टीम की कार्रवाई, और मुठभेड़ के बाद सभी जवान सुरक्षित वापस लौट आए हैं। बासागुड़ा थाने के चिपुर भट्टी इलाके में ये मुठभेड़ हुई। तो खबर बीजापुर से है, पुलिस नक्सली मुठभेड़, और संवाददाता दिनेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दिनेश, 6 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए संयुक्त, और क्या कुछ जानकारी? जी मैं बता दूं, पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान में जब पुलिस निकली तो मुठभेड़ में एक डिप्टी कमांडर सहित 6 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने सभी जवान सुरक्षित हैं। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के चिपुर भट्टी इलाके में ताल पेरू नदी के नजदीक मुठभेड़। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जानकारी के लिए। तो महिला नक्सली भी मारे गए नक्सलियों में शामिल है, और अभी भी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। अच्छी बात यह है कि सभी जवान सुरक्षित वापस लौट आए हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और 6 नक्सली जिनमें एक महिला नक्सली भी शामिल थी, इन्हें ढेर किया गया। सभी के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बयान खासी सुर्खियां बटोर रहा है। सागर में उन्होंने दूसरे दलों से बीजेपी में आने वालों के लिए जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि 15 साल से जो बीजेपी में कार्यकर्ता हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला, 15 दिन से आने वालों को क्या मिल जाएगा। उनका यह बयान खुरई विधानसभा का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सागर से, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का यह बड़ा बयान खासी सुर्खियों में है। जहां सागर में उन्होंने दूसरे दलों से बीजेपी में आने वालों के लिए जोरदार तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 15 साल से जो बीजेपी में कार्यकर्ता हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला, 15 दिन से आने वालों को क्या मिल जाएगा। उनका यह बयान खुरई विधानसभा का बताया गया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी दम भरती है कि जितने भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों या नेता हों, या फिर अन्य कोई पार्टी के नेता हों, जो भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन सभी को बराबर सम्मान मिलेगा। सम्मान तो मिलेगा, लेकिन उनको ओहदा भी मिलेगा। लेकिन अब ये पूर्व मंत्री का बयान काफी सुर्खियों में है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे लोग हाथ उठाओ जिनको पार्टी में 15 साल काम करते हुए, तो बहुत से लोगों ने नाम हाथ उठा दिए पार्टी में 15 साल काम करते हो गए थे। तो बोले तुम्हें 15 साल में क्या मिला? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मिला। तो बोली जब तुम्हें 15 साल में नहीं मिला और
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज प्रजापति जुड़ गए हैं। पंकज, पूर्व मंत्री का बयान काफी सुर्खियों में है और वायरल भी हो रहा है कि जो 15 सालों से कार्यकर्ता जुड़े हैं पार्टी से, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो 15 दिन से आ रहे कार्यकर्ता का क्या होगा? पंकज जी, बताना चाहूंगा कि बीते दिनों नरोत्तम मिश्रा पूर्व मंत्री ने एक आंकड़ा जारी किया था। उन्होंने कहा था कि वो लगभग 16,000 से ज्यादा कांग्रेसियों को भाजपा ज्वाइन करा चुके हैं। इसी को लेकर जो है कुछ बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं में ये एक कहना चाहिए कि एक डर देखा जा रहा था कि जो हम बरसों से जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या कुछ पार्टी ने सोच के रखा है। तो इसी के लिए जो है भूपेंद्र सिंह ने मंच से जो है खुरई विधानसभा में ये एक अपने वक्तव्य में ये बयान दिया है कि जब जो 15 साल 16 साल 20 साल पुराने जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आज भी जो कार्यकर्ता ही हैं, तो इसमें कांग्रेस से लेकर कांग्रेस से जो आने वाले कार्यकर्ता नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको लेकर इतनी जो है असमंजस की स्थिति ना बनाए। वो भी एक कार्यकर्ता की भांति पार्टी में कार्य करेंगे। तो अब जो उनका ये बयान है वो पूरे सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो चुका है। सागर में भी उस बयान की खूब चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पंकज जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इस बयान की चर्चा होगी ही, क्योंकि जिस तरीके का बयान पूर्व मंत्री ने दिया है वो प्रत्येक कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है। जो कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए दूसरी पार्टी से, उनके लिए भी ये बयान है, और जो कार्यकर्ता पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी है। 15 साल से बीजेपी में जो कार्यकर्ता जुड़ा है उन्हें कुछ नहीं मिला, तो 15 दिन से आने वालों का क्या होगा? ये एक बड़ा चौंकाने वाला बयान पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का सामने आया है। एमपी और छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 30 मार्च तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं, तो वहीं 19 अप्रैल को वोटिंग वाला दिन होगा। पहले चरण में एमपी के 6 और छत्तीसगढ़ के 1 सीट पर मतदान है। एमपी में सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में चुनाव है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण में वोटिंग होगी। तो पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान, बस्तर सीट पर भी वोटिंग होनी है पहले चरण में। और बस्तर सीट, जैसे कि आपको मालूम है कि काफी सीरियस, गंभीर ये सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां पर नक्सल क्षेत्र है और इसलिए इस सीट पर बहुत ज्यादा सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। आज प्रत्याशी नामांकन करेंगे बस्तर में, जहां एक तरफ कवासी लखमा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी, जिन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी पहले चरण में नामांकन होना है, और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, और इसके चलते आज नामांकन का आखिरी दिन है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन 28 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और 30 मार्च को प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। 19 अप्रैल को वोटिंग है पहले चरण में एमपी के 6 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर में मतदान होना है। एमपी में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में चुनाव होना है। छिंदवाड़ा सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है पहले चरण के लिए, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है इस सीट को जीतने के लिए। तो वहीं ये कांग्रेस का गढ़ कही जाती है, कमलनाथ का मुख्य तौर पर गढ़ कही जाती है ये सीट, और नकुलनाथ यहां से मौजूदा सांसद थे, नकुलनाथ ही प्रत्याशी भी हैं, और यहां से विवेक बंटी के साथ प्रमुख मुकाबला नकुलनाथ का होने वाला है। तो आज आखिरी दिन है जब नामांकन भरे जाने हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से, बस्तर में पहले चरण में वोटिंग होगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ छिंदवाड़ा से, संवाददाता राजेश करमेले जुड़ गए हैं। राजेश, आप पहले चरण में छिंदवाड़ा सीट में भी मतदान होना है, और आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज बीजेपी के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने जाएंगे और इस दौरान कई बड़े चेहरे भी नजर आने वाले हैं, तो किस तरीके की तस्वीरें आज छिंदवाड़ा की होने वाली हैं राजेश? जी देखिए, ये बीजेपी के जो प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, वो तकरीबन 12:15 से लेकर 1 से 1:30 बजे के बीच में नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ मौजूद रहेंगे, प्रहलाद पटेल यहाँ मौजूद रहेंगे, इसके अलावा प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय आ रहे हैं, प्रदेश संगठन के अध्यक्ष जो हैं बीडी शर्मा यहाँ मौजूद रहेंगे। भारी तादाद में नेताओं का जमावड़ा होगा, बीजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद रहेंगे।
बीजेपी ने इसके अलावा दशहरा मैदान में एक जनसभा आयोजित की है, विशाल जनसभा का स्वरूप इसको देने की कोशिश है, बड़ी तादाद में कार्यकर्ता लाए जा रहे हैं। इसके अलावा नामांकन भरने के बाद दशहरा मैदान में जो रैली जाकर के रुकेगी, दशहरा मैदान में जो सभा होगी उसमें ये तमाम नेता सभा को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर सिंदवाड़ा की जो सीट है पूरे प्रदेश में बेहद चर्चित सीट है, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ चुनाव मैदान में है और उनको चुनौती देने के लिए सामने है विवेक बंटी साहू। पिछले दफा भी विवेक बंटी साहू चुनाव मैदान में थे लेकिन वो यहाँ से पराजित हो गए थे। जी जी बिल्कुल। और मंडला से कृष्णा साहू भी जुड़ गए हैं। कृष्णा, कैसा आज का दिन रहने वाला है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, पहले चरण में मंडला में भी चुनाव होना है और ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, तो किस तरीके की स्थितियां बनती नजर आ रही है फिलहाल? जी बिल्कुल रेनू, बताना चाहूंगा कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और इसी को लेकर आज जो कांग्रेस प्रत्याशी है मंडला लोकसभा क्षेत्र के ओमकार सिंह मरकाम आज नामांकन भरेंगे। करीब 3 बजे तक उनके नामांकन भरने का समय है। यहां पर उनको उनकी जो नामांकन रैली है उनके उसके लिए जीतू पटवारी के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, इसके साथ ही पूर्व मंत्री अरुण यादव के साथ ही कई बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहने वाले हैं। जीतू पटवारी यहां पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यहां पर करीब 8 से 10 हजार लोगों के आने की आशंका भी जताई जा रही है। इसके साथ ही जब एक रोड शो के माध्यम से वो नामांकन रैली में भी शामिल होंगे और कहा जाता है कि ये मंडला जो लोकसभा सीट है बहुत ही बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहां से जो केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है उनको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया फग्गन सिंह कुलस्ते को, इसलिए मंडला का जो लोकसभा सीट है बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। और यहां पर निवास विधानसभा जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो निवास विधानसभा से मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए थे। इसके बाद जो यह सीट है और यह चुनाव लोकसभा क्षेत्र का यह सीट बहुत ही ज्यादा कई मायनों में खास रखता है रेनू। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि मंडला में चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि तमाम तैयारियां और आज जीतू पटवारी का मंडला में मुख्य रूप से एक जनसभा होगी जिसमें सभी को वो संबोधित करने वाले हैं। चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के। गुना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के बाद से ही यहां का सियासी माहौल गर्मा चुका है। कांग्रेस ने अब तक गुना से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, लेकिन इस बीच पार्टी ने दिग्विजय सिंह की बेटी और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह को गुना में बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी और ऐसे में एक बार फिर से गुना की सियासत में महल और किले के बीच की सियासत देखने को मिलेगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 28 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें गुना लोकसभा सीट का प्रभारी जयवर्धन सिंह को बनाया गया है, यानी कि जयवर्धन सिंह अब सिंधिया को हराने के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आने वाले हैं। जयवर्धन सिंह का भी गुना लोकसभा सीट में आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव माना जाता है और ऐसे में यहां जयवर्धन को प्रभारी बनाकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है, जिससे गुना का मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस सिंधिया के गढ़ को भेद पाती है। तो आप ये देखिए कि पहले गुना जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब जब वो पूरा एक बड़ी संख्या में अपने साथ कार्यकर्ता और विधायक लेकर पहुंच गए बीजेपी में, तो अब ये सिंधिया का गढ़ कहा जाने लगा है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या सिंधिया के गढ़ को भेद पाती है कांग्रेस? अब ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जयवर्धन यानी कि अब ये महल और किले की लड़ाई देखी जा रही है। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस सीट पर हमेशा से महल का दबदबा रहा है। पहले राजमाता सिंधिया इस सीट पर सांसद रही, बाद में माधवराव सिंधिया इस सीट पर सांसद रहे और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट पर सांसद रहे। तो ये कहा जाए कि भले ही दल बदले हों लेकिन जलवा जो है वो सिंधिया परिवार का ही रहा है। 3 पीढ़ियां लगातार इस सीट पर जो है वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती रही। ये बात सही है कि 2019 में मोदी लहर के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिस तरीके से जज्बात का आपने जिक्र किया कि 2019 में वो हारे लेकिन 2020 में वो बीजेपी के साथ आ गए, तो यही कारण है कि बीजेपी ने उनको इस बार वहां से प्रत्याशी बनाया है। ये बात सही है कि अब जो पूरा चुनाव जो है वो महल वर्सेस किला हो गया है। देखिए दिग्विजय सिंह की अगर बात करूं तो राहुलगढ़ जो है
वो गुना जिले में ही आता है। हालांकि संसदीय क्षेत्र के लिहाज से देखें तो वो राजगढ़ में आता है, लेकिन प्रभाव जो है दिग्विजय सिंह का पूरा उसी इलाके में, और यही कारण है कि जयवर्धन सिंह को वहां का लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। देखिए हालांकि अभी तक कांग्रेस अपना प्रत्याशी ऐलान नहीं कर पाई है, माना यह जा रहा है कि एक नए और मजबूत चेहरे को पार्टी मैदान में उतार सकती है, जिसमें वीरेंद्र रघुवंशी का नाम सामने है, अगर बात करें यादवेंद्र सिंह का नाम सामने आता है, अरुण यादव का नाम सामने आ रहा है। तो ये तीन प्रमुख नाम जो है वो बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं कि इन तीन में से किसी एक को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि ये मुकाबला कितना कड़ा होता है। देखिए अगर बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी में जाने के बाद सीधे तौर पर जनता के सामने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और केपी यादव जो है जिनको जिन्होंने 2019 में उनको चुनाव हराया था और वो इस बार उनका टिकट काटा है, तो उनका और उनके समर्थकों का क्या रुख रहता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, अब से कुछ दिन पहले लोकसभा की समीक्षा बार बैठक राजधानी भोपाल में बुलाई गई थी, उसमें अंदर खाने से खबर निकल कर आई थी कि कहीं ना कहीं केपी समर्थक जो है वो सिंधिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे हैं। हालांकि संगठन ने उनको ताकीद की थी कि आप पार्टी के साथ मिलकर चलिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि कांग्रेस के पत्ता पहले खोले कि आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में आ रहा है, और उसके बाद ये मुकाबला बेहद रोचक हो जाएगा। जी जाहिर सी बात है कि एक वक्त थे जब केपी यादव खुद सिंधिया के विरोध में खड़े थे और जीत कर आ भी गए हैं, और उसके बाद कैसे उनके कार्यकर्ता उनके साथ काम करेंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और एक बहुत बड़ी चुनौती खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी है। यहां पर शैलेंद्र बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अभी तक 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन मुस्लिमों का हितैषी होने और 100 मुस्लिमों से 100% वोट की मांग करने वाली कांग्रेस ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि राजनीति में उन्हें उचित भागीदारी नहीं दी गई है। कांग्रेस कभी बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रही थी, लेकिन इसी कांग्रेस ने एमपी में अभी तक किसी मुस्लिम चेहरे को लोकसभा का टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रखी है। देखिए कांग्रेस के नेता और श्रीमान दिग्विजय सिंह जी कई बार इस प्रकार की बातें मुस्लिम परस्ती की और उनको राजनीति में भागीदारी की बात करते रहे हैं और दूसरे दलों पर आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, इन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति भरपूर की, खूब की, उनको पूरा वोट और सारा का सारा वोट मुसलमानों का चाहिए, लेकिन मुसलमानों की भागीदारी किसी भी तौर पर प्रत्याशी के नाते नहीं दिखाई पड़ रही है। ये केवल शोषण करने वाले लोग हैं, इस समुदाय को भी सोचना पड़ेगा। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को इस मुद्दे पर सवाल उठाने का हक नहीं है, जिसने खुद एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी को अपना सोचना चाहिए। आज वो जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि वे कितनी असुरक्षा की भावना से ग्रसित हैं। वो आज कांग्रेस के प्रत्याशियों पर ध्यान ना दें, वो अपने प्रत्याशियों पर ध्यान दें। दूसरी तरफ कांग्रेस के मुस्लिम नेता दलील दे रहे हैं कि उनकी पार्टी ने मुस्लिमों को उचित सम्मान दिया है, विधानसभा से लेकर पार्टी में हर मोर्चे पर मुस्लिमों को सम्मान मिल रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई अधिकार ही नहीं है कि वो इस तरह के आरोप लगाए किसी भी राजनीतिक दल पे। जो भारतीय जनता पार्टी देश भर में किसी मुस्लिम समुदाय के आने वाले नेता को टिकट नहीं दे, किसी को राज्यसभा न भेजे, भाजपा के जितने सांसद हैं चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, एक भी व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आरोप लगा रही है? कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में विधायकों को पहुंचाने का काम किया जो मुस्लिम समुदाय से भी आता है। भले ही कांग्रेस नेता मुस्लिमों का हितैषी होने का दावा करें और पार्टी के नेता मुस्लिम भागीदारी की दलील दें, लेकिन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब कांग्रेस मुसलमानों से 100% वोट देने की मांग करती है तो उनकी हिस्सेदारी को लेकर सवाल जरूर उठेंगे। खास करके मुसलमान भाइयों के 100% आपको वोट चाहिए, और एक बार नहीं बरसों बरस तक चाहिए, और आपके नेता। और चलिए अब देखेंगे चुनाव 24।